रिहायशी इलाके में आवंटित प्लाट पर अवैध रूप से फैब्रिकेशन की दुकान का संचालन किया जा रहा है। निगम प्रशासन की मौन चुप्पी कुछ और ही इशारा कर रही है। मामला मैत्री कुंज के पलास टावर के निकट का है। गांधीनगर वार्ड 61 निवासी रिटायर बीएसपी कर्मचारी टीसी बेबी ने रिसाली कमिश्नर को लिखित में शिकायत की थी कि पड़ोस में निलय चंद्राकर ने आवासीय प्लांट पर 3 दुकान बनाकर किराए पर उठा रखी है। दुकानदार ने उसमें फैब्रिकेशन की दुकान खोल रखी है। 3 माह बीत जाने के बाद भी निगम के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये क्षेत्र है, यहाँ 4 दुकान सामने में है और 2 पीछे में मेरे बेडरूम के पास में वेल्डिंग दुकान लगाया है। मैं नियुक्त आयुक्त को और कलेक्टर को सबको आवेदन दिए है। क्या बोला आयुक्त ने? उन लोग इनको नोटिस दिया है। होम मिनिस्टर साहू जी से मिला, उनको एप्लीकेशन एक दे दिए, उनका ऑफिस में पहुँच जाए रायपुर में, और ये सब पूरा हिस्ट्री लिखा है। और 6/6/20 को एप्लीकेशन दिया, 3/9/20 को इनको लेटर दिया। उसके बाद फिर ये कुछ छोटा मोटा लेके गया और फिर उन्होंने उनको क्लोज करने के लिए 21/10/20 को आज मैं गया था सर ये निगम ऑफिस में। क्या बोलेंगे? वो बोला है नोटिस दे दिया है बंद करने के। मामले का सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू यह है कि निलय चंद्राकर उक्त दुकान अपनी पत्नी नीला चंद्राकर के नाम से आवंटित आवासीय प्लाट में बनाया है। आवासीय प्लाट में जो है लिया हूँ, उसमें जो है डाइवर्सन के लिए जो है डाइवर्सन करा चुका हूँ और जो है कमर्शियल के लिए जो है आवेदन कल करने वाला हूँ। तो अभी जो आपने दुकान खोली है वो आवासीय कमर्शियल है? ये तो आवासीय है सर। तो आवासीय में कमर्शियल की दुकान कैसे खोल दी आपने? वो सर जो है वो हमको नियम मालूम नहीं था और हमने आवेदन जो है लगा दिया है सर जो है उसके लिए जो है अभी कोरोना काल में जो है बना है जो है बनाने के बाद में आवेदन किया सर जो ऑफिस बंद था जो है।